कपिल शर्मा पिछले 10 सालों से ऑडियंस को एंटरटेन करते आ रहे हैं। गुत्थी हो, डॉक्टर मसूर, गुलाटी या बम्पर जैसे किरदार हर घर का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन अब कपिल के शो का नया सीजन टीवी पर नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स पर आ रहा है, जिसके शुरुआती एपिसोड ऑडियंस को इम्प्रेस करने में फेल हुए हैं। सही शब्दों में कहा जाए तो इन एपिसोड से कपिल को उनकी टीम का जादू गायब है। सब कुछ फिक्स लग रहा है। शो के दौरान बिना बात के तालियां सुनाई देती है। ऑडियंस से बातचीत का सेगमेंट गायब है। टीवी पर दिखाए गए कपिल शर्मा शो के ऑडियंस में कॉमेडियन एक एक्ट पेश करते थे जो अब नजर नहीं आता है। नए सीजन में सीधे सेलिब्स का ग्रैंड वेलकम होता है। इंटरनेशनल ऑडियंस को इम्प्रेस करने की कोशिश। कपिल शर्मा का शो अब नेटफ्लिक्स पर हफ्ते में एक बार प्रीमियर होता है। नेटफ्लिक्स 190 देशों में देखा जाता है। ऐसे में कपिल और उनकी टीम के लिए ये बड़ी बात है कि उनका शो इन देशों में देखा जा रहा है। ऐसे में इंटरनेशनल ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए कलाकारों को जबरदस्त मेहनत करनी पड़ती है। पिछले हफ्ते दिखाए गए एपिसोड में कृष्णा अभिषेक, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कीकू शारदा नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन के किरदारों में नजर आए थे। हालांकि ये एपिसोड ऑडियंस को इम्प्रेस करने में कुछ खास कामयाब नहीं हुआ। कपिल शर्मा का मैजिक गायब। कपिल शर्मा को शो उनके मस्ती भरे अंदाज के लिए मशहूर था। शो के दौरान वो कभी माँ तो कभी अर्चना पूरन सिंह पर उनके कमेंट ऑडियंस को इम्प्रेस करते थे, लेकिन नए सीजन में उनका मैजिक गायब है। स्क्रिप्टेड। वो कहते हैं ना, हंसने हंसाने के लिए किसी स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं होती, लेकिन कपिल के नए सीजन में स्क्रिप्ट के आधार पर हंसाने की कोशिश की जा रही है जो ऑडियंस को पसंद नहीं आ रही है। ये नया सीजन नेचुरल से ज़्यादा स्क्रिप्टेड लगता है। शो में बेवजह तालियों की आवाज़, स्टार्स का ग्रैंड वेलकम, कलाकारों की एंट्री सब फिक्स लगता है। ह्यूमर की कमी और स्क्रिप्ट पर अधिक फोकस की वजह से जोक्स पर हंसने का समय निकल जाता है। कपिल अपने पुराने शोज में इंस्टाग्राम पर पोस्ट के कॉमेंट्स पढ़कर ऑडियंस को हंसाया करते थे, ये सेगमेंट भी गायब है। ऑडियंस इंटरेक्शन। कपिल के पुराने शो की खासियत देश भर से आई ऑडियंस थी। कोई बीमार पेशेंट होता तो कोई पत्नी को घुमाने शो पहुंचता था। ये पढ़ी लिखी चुनी हुई ऑडियंस नहीं होती थी। ये वो लोग होते थे जो कपिल को पसंद करते थे और हंसने के शौकीन थे। इनसे कपिल की बातचीत शो का खास सेगमेंट होता था, लेकिन नए शो से ये ऑडियंस इंटरेक्शन गायब है। कास्ट। कपिल के शो पर पहले सुमोना चक्रवर्ती, भारती सिंह, सुगंधा मिश्रा जैसे फीमेल कलाकार थी। इसके अलावा कपिल की सास का किरदार निभाने वाली मंजू ब्रिजनंदन शर्मा ने भी ऑडियंस को खूब हंसाया। लेकिन नए सीजन में अर्चना पूरन के अलावा एक भी महिला कलाकार नहीं है। सुनील की वापसी से सब खुश तो हैं, लेकिन कास्ट पहले जैसी नहीं है। वैसे इस कपिल शर्मा शो के नए सीजन पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।